बिना लाउडस्पीकर के अजान। अब इस पर टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सहारनपुर के इनाम कॉलोनी की मस्जिद में मौलाना नमाज के लिए अजान पढ़ रहे हैं बिना माइक के। दो दिनों पहले ही यहां का लाउडस्पीकर हटा दिया गया। लोगों की दलील है कि रमजान के पाक महीने में यह फैसला सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने या फिर लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा करने के बाद मस्जिद में अजान किस तरह से हो रही है, इस बात की तहकीकात के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का दौरा किया। सहारनपुर में कुछ मस्जिदों में लाउडस्पीकर की संख्या घटाकर एक कर दी गई है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। रमजान का वक्त है और उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि कब नमाज का वक्त निकल गया, क्योंकि मस्जिद की अजान उन्हें नहीं सुनाई पड़ रही। कुछ मस्जिदों में तो लाउडस्पीकर बिल्कुल ही हटा दिया गया है, बिना माइक के वहां पर अजान हो रही है। वहां पर लोगों को तो और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। जहां अक्सरियत मुस्लिम है, बल्कि टोटली मुस्लिम है, वहां इनको ना हटाया जाए। जहां मुस्लिम गैर मुस्लिम है और वाकई उनको परेशानी भी होती है, उनको वाकई परेशानी होती है, और तो फिर इस्लाम तो खुद ये चाहता है कि किसी को तकलीफ ना दी जाए। दूसरी तरफ सरकार के इस कदम का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं। शामली के लोग मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी ने सौहार्द से लाउडस्पीकर उतारे, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। तो शासन का ये बहुत अच्छा निर्णय है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, अगर ये लाउडस्पीकर उतरते हैं तो हमारे समाज के हित में भी है, और इससे आपसी भाईचारा जो खराब होता है कई बार, वो आपसी भाईचारा भी ठीक रहेगा। अब ये हट गया, ध्वनि प्रदूषण खत्म हो गया, प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और फिर दोनों समुदाय ने माना, और ये और अच्छी बात है। पिछले 2-4 सालों से ही कुछ ध्वनियाँ कहीं तेज कर देनी, कहीं कम कर देनी, बहुत ज़्यादा देखा गया, तो इन ध्वनियों को देखते हुए अगर योगी जी ने ऐसा कुछ फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं अच्छा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।